Let's talk about clinical research involving human subject, ethics and administration. Ethics ka kya matlab hai yahan? Ethics is in a very important at every aspect. Each and every aspect steps in process of research. Be it investigator, koi investigator ho ya jo ethical committee ho, sometimes sponsor bhi hote hain, sponsor karte hain jo research ko. So be it investigator, ethic committee or sponsor or whoever involved in the research, okay, their responsibility and their role and their working has to be in a based on and in line with ethical guidelines which is being given by authorities, okay. And as you're aware that every research has some inherent possibility, probability, keh lijiye, of having harm or risk. We are talking about the code guidelines, ICMR guidelines, and declaration of health. There are a lot of guidelines have been coming here. Lekin in guidelines ki hame jarurat kyon padi? That's the most important question here. Early 19th ki baat karein ya jab hum hamare paas jo war victims ke time pe ya जो वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे रिसर्च होते थे जब ये गाइडलाइंस नहीं थे ह्यूमन सब्जेक्ट के ऊपर कैसे हमें रिसर्च करना है. तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे कंडक्ट हुए रिसर्च के दैट वाज रियली ब्रूटल एंड दैट वाज रियली नॉट गुड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, राइट. सो वॉर में जो लोग होते थे उनको अजीब अजीब तरह के वो लोग रिसर्च करते थे और उस टाइम पे उनको क्या हार्म हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, दे नेवर बॉदर्ड दैट समवेयर. दे कहीं पे भी इंसिशन लगा रहे हैं, कुछ इंसिशन लगा के एंड दे एंटर द वायरस टू लुक एट द इफेक्ट ऑफ वायरस और बैक्टीरिया. ट्यूबरकुलोसिस का ऐसे रिसर्च हुआ, रिसर्च जैसे ये पिक्चर देखिए, दिस वॉज रिसर्च बींग डन फॉर टेस्टिंग वेदर द केबिन क्रू इन एयरक्राफ्ट विल सर्वाइव इन सर्टेन ऑक्सीजन लेवल और कितने कम लेवल पे प्रेशर पे और ऑक्सीजन पे वो सर्वाइव कर पाएंगे. सो दैट काइंड ऑफ रिसर्च वर गोइंग ऑन दोज डेज. यहाँ पे हाइपोथर्मिया की कितना हाइपोथर्मिया, हाउ मच हाइपोथर्मिया कैन बी टॉलरेटेड बाई एन ह्यूमन बींग. सो दीज काइंड ऑफ रिसर्च वॉज टेकिंग प्लेस एट दैट प्लेस एंड लॉट ऑफ मतलब एक तरह से टॉर्चर, ह्यूमन टॉर्चर जैसी चीजें होती थी उस जमाने में क्योंकि देयर वाज नो गाइडलाइंस दैट हाउ वी कैन डील विद सब्जेक्ट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन रिसर्च. सो अभी जो रिसर्च गाइडलाइंस हम देख रहे हैं और डेली हम जो क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल रिसर्च में जो यूज करते हैं, इट इज नॉट टूडे, इट इज नॉट मेड टूडे, इट हैज एन अ लॉन्ग जर्नी, 50-60 ईयर्स ऑफ जर्नी इन कोड्स को बनाने में, राइट. ओके, आइए देखते हैं ये क्या कोर्ट कहते हैं. जब इस तरह की चीजें हो रही थी तो बहुत लोग का नजर भी इस पे आया और लोगों ने इन चीजों को देखा भी. सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग कि क्या हो सकता है, क्या गलत हो रहा है, इसको हम कैसे हाउ वी कैन टैकल दिस. तो उन्होंने जैसे एक बहुत कॉमन एक कोड है जो न्यूरनबर्ग कोड 1947 में आया. ऐसे इन चीजों को एक डॉक्टर्स ट्रायल करके यूएसए में ऐसे ट्रायल हुआ था जिसमें बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट के ऊपर ट्रायल किया गया था कोर्ट में कि उन्होंने गलत किया है. और इस टाइम के उसी टाइम पे 1947 में कोड आया था यूएस में कि हमें किस तरीके से रिसर्च करना चाहिए. ये सारी चीजें चलती रही और वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की एक 18th असेंबली जो उनकी जनरल असेंबली मीटिंग होती है फिनलैंड में हुई थी. हेलसिंकी एक जगह है, हेलसिंकी किसी का नाम नहीं है, हेलसिंकी एक जगह है फिनलैंड में जहां उनका जो अधिवेशन जिसको बोलते हैं द 18th असेंबली ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन इन 1964. सो इसमें दे हैव पास्ड एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन न्यूरनबर्ग कोड और बहुत सारे बीच में जो डेवलपमेंट्स हुए कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट बीइंग टॉर्चर्ड और उनको कैसे बेनिफिट हम कैसे दे सकते हैं और क्या क्या मतलब एथिक्स क्या क्या सब होनी चाहिए, एथिक्स बेसिक गाइडलाइंस उस टाइम पे बनी और उस चीज को यहाँ पे पब्लिकली एक्सेप्ट किया गया. दैट इज वॉट कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी इन 1964. तो कहीं पे भी इस तरह का क्वेश्चन आया या इस तरह से आपसे पूछा जाए कि इन विच ईयर
डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी वॉज एस्टैब्लिश्ड, सो इट इज 1964, इट वॉज इन हेलसिंकी फिनलैंड, फिनलैंड में है वो, एंड इट वॉज इन डिक्लेयर इन एन असेंबली ऑफ 18th असेंबली ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, ओके, जिन्होंने ये गाइडलाइन डेवलप की थी। उसके बाद एक वेलमॉन्ट आया, टर्किश सिफिलिस स्टडी हुई थी, सिफिलिस स्टडी में भी इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी, एंड आफ्टर दैट वेलमॉन्ट रिपोर्ट आया यूएसए में बेस्ड ऑन दैट, एंड 1980 में ICMR ने भी अडॉप्ट किया इनको, एंड काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंसेज इन 1963, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट गो थ्रू होते रहे इसमें, एंड फाइनली कुछ सालों के बाद जो रिम्बर्ग कोड था और हेलसिंकी के डिक्लेरेशंस में से जो आया, एंड देन द पीपल फ्रॉम फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ दैट की इन रिसर्च को एक जैसा ही हर जगह हो। सो धीरे 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 ये यूरोप में पॉपुलर होने लगा, दैट वॉज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन। निर्बर्ग कोड 1947 में इन्होंने जो दिया था ये क्या था, इन्होंने क्या कहा था, इस कोड में क्या कहा गया था कि जो कुछ सजेशंस थे जो उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया कि बहुत ब्रूटल और बड़ी टॉर्चर माहौल में जो स्टडी होती है उसको ये तरीका नहीं होना चाहिए एक्चुअली रिसर्च करने का कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ की जाए और उसको हार्म, तो इन्होंने कुछ चीजें सजेस्ट की थी, इस कोड में सजेस्ट किया गया था कि जो रिसर्च होना चाहिए मैं भाग लेना चाहता हूं उसमें नहीं, इट हैज टू बी वॉलंटरी इन नेचर होना चाहिए पार्टिसिपेशन, और कंसेंट बेस्ड होना चाहिए, मुझे अधिकार होना चाहिए कि मैं इसमें भाग लूं या ना लूं, ऐसे नहीं कि कोई आया मुझे पकड़ के और रिसर्च में रख लिया। सो दैट वॉज सजेस्टेड बाई इन दिस कोड, ठीक है। उसके बाद यूजफुल होना चाहिए रिसर्च, तभी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि मेरे मन में आया एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग। सो एंटिसिपेटेड साइंटिफिक बेनिफिट, यूजफुलनेस वी हैव टू लुक एट, एंड पहले एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए इफ देयर इज अ लार्ज हार्म एंटिसिपेटेड, अवॉइड फिजिकल और मेंटल सफरिंग। सो ये सारी चीजें जो है इस कोड में बताई गई थी और इनको सजेस्ट किया गया था। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट विच आर वेरी वेरी मच हाइलाइटेड इन दिस कोड इन 1947, और इसी के बेसिस पे आगे जितनी भी हैं जो कोड्स और गाइडलाइंस जो हैं वो बनती चली गई। तो इसी कोड को ध्यान में रखते हुए 1964 में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जनरल असेंबली ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन इन हेलसिंकी फिनलैंड अप्रूव्ड ए डिक्लेयर्ड एथिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस इन रिसर्च नोन एज डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी, एंड टुडे ऑल द गाइडलाइंस हमारी ICMR या कोई भी इंटरनेशनल नेशनल कोई भी गाइडलाइंस हो, देर ऑल हियर एंड देयर बेस्ड ऑन दिस द फीचर्स ऑफ दिस हेलसिंकी डिक्लेरेशन। इसके जो बेसिक फीचर्स है उसी के ऊपर बेसिस पे ये सारे हैं, राइट, द की फीचर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी। तो ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, बेनिफिशेंस होना चाहिए उसमें, नॉन मॉलफिसेंस होना चाहिए, नॉन मॉलफिसेंस मतलब भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए उसमें, राइट, फिडेलिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, देन कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होनी चाहिए रिसर्च, एंड द सोसाइटी एंड पब्लिक के लिए जस्टिस होना चाहिए। सो दिस आर द कोर फीचर्स ऑफ हेलसिंकी जो डिक्लेरेशन है, और इन्हीं इन्हीं कोर कंपोनेंट के साथ जो है वो सारे हमारे जितने भी गाइडलाइंस व्हाटएवर वी हैव डेवलप्ड सो फार इज बेस्ड ऑन दैट, ओके। थोड़ा सा और डिटेल देखते हैं इसको, तो जैसे ऑटोनॉमी से हम क्या समझते हैं, जैसे इनके पैरा 20 में लिखा हुआ है कि द सब्जेक्ट मस्ट बी वॉलंटियर्स एंड इनफॉर्म पार्टिसिपेंट इन ए रिसर्च। पैरा 22 कहता है फ्रीली गिवन इनफॉर्म कंसेंट इज मस्ट इन राइटिंग समटाइम्स इन वीडियो, उस टाइम पे तो राइटिंग में लिखा गया था, अब हम वीडियो भी कई बार कंसल्टेशन कंसेंट लेते हैं। सो इनफॉर्म कंसेंट कहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, कहां से इसका ओरिजिनेशन हो रहा है, वो उस कोर फीचर जो है उसकी हेलसिंकी के गाइडलाइंस का, ऑटोनॉमी, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल दैट ऑटोनॉमी ऑफ द पर्सन हैज टू बी मेंटेन। सो इनफॉर्म कंसेंट वहां से एक एग्जांपल निकल के आ जाता है। दूसरा आगे देखिए,
बेनिफिट की बात करते हैं तो पैरा 5 बेनिफिट की बात करता है, द वेलबींग ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी टेकन फर्स्ट एंड ओवर द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, यानी तीसरा जैसा मैंने बताया, मतलब पैरा 6 कहता है 16 की प्रिसीडेड बाय केयरफुल असेसमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबल रिस्क एंड बर्डन। ऐसा नहीं है कि रिस्क है तो क्या हुआ, बर्डन है तो क्या हुआ, मेरा कंपनी फायदा होता है, इसी चीज को बहुत ज्यादा देखा जाता है। जैसे आजकल जो क्लिनिकल रिसर्च होते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मा इंडस्ट्री में, ये द कमेटी एंड द पीपल इन्वॉल्व मेक श्योर दैट द रिस्क एंड बर्डन हैज बीन बैलेंस्ड और बेनिफिट, ठीक है। सो ऑल द पॉसिबल ट्रीटमेंट प्लान हैज टू बी अटेम्प्टेड इन अ वे दैट द मिनिमल टू मिनिमल डैमेज और मिनिमल टू मिनिमल रिस्क। तीसरा नेक्स्ट आ जाता है अब फेटेलिटी, ड्यूटी ऑफ केयर। ओके, इसमें क्या कहते हैं कि द मेडिकल रिसोर्स इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड साइंटिफिक प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि एक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल जरूर उसके पीछे होना चाहिए, ऐसे नहीं है हम कुछ भी आके कह दिए और वी स्टार्ट डूइंग आवर रिसर्च। देयर हैज टू बी सम फंडामेंटल basis behind that, why I'm going to do this, why, what will be the predicted outcome and something very new if I'm going to do. Adequate laboratory और ये सारी चीजों की चीजें experimentation के लिए हमारे पास चीजें available होनी चाहिए। Then next, clinically एक जो competent बंदा है वही करना चाहिए। वैसा नहीं है कि आप डॉक्टर हैं और इंजीनियरिंग की चीजें कोई चीज बनाने लगे और उसको ह्यूमन के ऊपर ट्रायल करने लगे। ओके, सो देयर हैज टू बी टू कंबाइंड पीपल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर डेवलपिंग सम डिवाइस, सो डिवाइस बनाने के लिए कोई और, उसको ह्यूमन सब्जेक्ट पे कैसे करना है, उसके लिए डॉक्टर भी होना चाहिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स भी होने चाहिए। सो दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इफ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन ह्यूमन सब्जेक्ट। ओके, तो अगर कोई मशीन है ऐसा और उसको आप यूज कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेजर के ऊपर करो, एंड लेजर मीनिंग टू हैव सर्टेन प्रिंसिपल बिहाइंड दैट एंड कॉम्पिटेंट बंदा जिसने ट्रेनिंग ले रखी है, जिसको समझ है, वही उसको रिसर्च को करे, ऐसा कहा गया है। ट्रूथफुलनेस, सबको पता है, ऑनेस्टी, द बोथ द ऑथर इन्वेस्टिगेटर और एवरी वन हु has to preserve the accuracy of results, negative as well as positive results should be published. ऐसा नहीं है कि मेरे मनमुआफिक रिजल्ट नहीं आया तो भैया ये तो बेकार है रिसर्च, इससे ये काम का नहीं है। नहीं, रिसर्च चाहे निगेटिव रिजल्ट आए हैं उसके या रिजल्ट के सही रिजल्ट आए, बोथ इन बोथ द केसेस इट हैज टू बी अवेलेबल फॉर पब्लिक, so that they become aware that certain things, certain therapies, certain treatment doesn't work in certain cases, or if it is good they will come to know that certain therapy, certain things will get work in certain disease. Okay, so truthfulness and honesty has to maintain by all the authors and investigators. They should not manipulate the result what we have found in the research process. Then the confidentiality. Okay, every precaution should be taken to respect the privacy of the subject, confidentiality of subject, okay, and patient information. Okay, aisa nahi hai ki kisi ka patient ka information kisi ko hum de rahe hain. Next jo important hai wo justice, ek para 30 kehta hai ki every patient entered into study should be assured of access to the best proven prophylactic diagnostic therapeutic method identified in this study. Okay, or research investigators should aware of ethical, legal, regulatory requirement for research on human subject. Okay, and the physician or investigator should cease any investigation if the risk is potential or it is found that there is something, some risk is going on. Right? So these are the core components of jiske baad se there are a lot of revisions and something additions, deletions being टेकिंग द लेटेस्ट अभी हमारे पास जो है वहां तक आते आते हमारे पास बहुत सारी चीजें उसमें हुए। सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन, लेटर ऑन इट बिकम पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारे ICMR ने भी क्वेश्चन अपने गाइडलाइंस डेवलप किए एवरीथिंग और ये चीज। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये जो गाइडलाइंस और ये सारी चीजें बने, द हार्मोनाइजेशन इंडस्ट्री जो ICHC, इसका काम ये था कि मेनी प्लेसेस लाइक फार्मास्यूटिकल industry representatives, the law regulators, and other people, they came together to form a rules and
ए गाइडलाइन, ठीक है, और जितने भी कंट्री टू कंट्री गाइडलाइन है वो वेरी कर सकते हैं बिकॉज एज पर देयर लॉ. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ हु इज रेगुलेटिंग दीज रिसर्च. देयर इज अ रेगुलेटरी गाइडलाइन एंड देयर इज अ रेगुलेटरी लॉ, टू डिफरेंट थिंग. देयर आर टू डिफरेंट थिंग. गाइडलाइन मैंने मैंने आपसे कहा है इस तरह से आपको करना चाहिए, हो सकता है आप नहीं भी करो, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि आपको ऐसे ही करना है, चाहिए और है में डिफरेंस हो जाएगा. सो रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर नॉन बाइंडिंग, हाउएवर दे आर बैक्ड अप विद लॉ. सो इफ यू आर नॉट डूइंग दैट एंड यू आर नॉट फॉलोइंग दोज गाइडलाइंस, यू मे बी बिहाइंड, यू मे बी डिनाइंग सम लॉ और कुछ उससे हटके आप कर रहे हो. तो वो ये ऐसा है, ऐसा गाइडलाइंस ही बनाया गया है कि वो गाइडलाइंस के पीछे वो कोई लॉ बैकअप कर रहा है उसको. ओके, सो बट हाउएवर इन जनरल अगर बात करें तो रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस हैं दे आर नॉट बाइंडिंग, यू आर नॉट बाइंड विद दैट, बट लॉ जो होते हैं यू आर बाइंड विद दैट, यू हैव टू फॉलो दोज लॉ. सो नेशनल और इंटरनेशनल दो तरह की, ये दोनों ही हो सकते हैं, लॉ और रेगुलेशन गाइडलाइंस दोनों ही हो सकते हैं. अब अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी ICH. ICH ने 1990 में अपना फाउंडेशन बनाया और उन्होंने गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस एक 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 गाइडलाइंस दी वर्ल्ड को, जिसमें हाउ टू डू गुड रिसर्च, कैसे हमें जाना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी गाइडलाइंस थी. हमारे इंडिया में भी है, विच इज अडॉप्टेड बाई ICMR. आपने सुना होगा इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, लॉट ऑफ गाइडलाइंस. अभी कोविड के सिनेरियो में डिफरेंट गाइडलाइंस हमेशा वो बनाती रहती है और वो गाइडलाइंस हमें फॉलो करना होता है. ओके, सो ICMR लॉ नहीं बनाती, वो गाइडलाइंस बनाती है. लेकिन ऐसे बहुत सारे, देयर आर लॉट ऑफ लॉ अवेलेबल बेस्ड ऑन दैट ICMR वर्क एंड वी ऑल्सो फॉलो दोज लॉ. सो वट आर दोज लॉ? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1990, जिसमें शेड्यूल वाई और इसके बारे में उसका अमेंडमेंट हुआ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन 2005, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन एक्ट, गाइडलाइंस फॉर एक्सचेंज ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन कंसेंट, ये सारे जितने एक्ट है ये सब तो हमें फॉलो करना होता है किसी न किसी रूप में. सम हाउ हियर एंड देयर वी फॉलो दिस लॉ, बट देर आर थी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दीज एक्ट. तो दो ये ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूर याद रखना है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल्दो अब ये मेडिसिन से हो रिसर्च या नहीं, किसी इक्विपमेंट का डेवलपमेंट हो, किसी छोटे डिवाइस का डेवलपमेंट है, तो भी आपको DGCI से उनसे आपको परमिशन लेनी है. ओके, जैसे आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसपे लिखा रहता है FDA अप्रूव्ड. ओके, सो FDA अप्रूव्ड मतलब क्या? फूड एंड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ USA. सो इसी तरीके का कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा है यहाँ का, जो हमारे किसी भी डिवाइस को, उसकी गुणवत्ता, उसकी 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 कैलिब्रेशन, उसकी इन सब चीजों को इंश्योर करता है और ह्यूमन यूज के लिए लाइसेंस देता है कि नाउ दिस इक्विपमेंट कैन बी यूज ऑन ह्यूमन, देयर इज नो हार्म एंड वी एक्सेप्ट दैट. अब इसको मार्केट में सेल किया जा सकता है. कोई भी नई मेडिसिन का जब रिसर्च होता है उसको डेवलप करते हैं, when we develop certain new medicine or knitting, ऐसा नहीं है कि वो सीधा रिसर्च किया आपने फैक्ट्री ने और उसको मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया, इलाज आ गया. नहीं, ड्रग होने के बाद उसकी सारी डेटा सब कुछ को हमें सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना होता है, CDSCO जो है, या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, और यहाँ से अप्रूवल होने के बाद हमें लाइसेंस मिलता है उन फार्मा कंपनीज को टू मैन्युफैक्चर and market those medicines for community. Similarly, if you are developing any devices, whatever you use in rehabilitation, physiotherapy, everywhere, that also has been included in this, and we have to have approval for that, then only we can sell it in market. This is why there are certain products which are available in outside of India, they are approved, but still they are not available in India because these organization has not yet approved that for sale in India. और हम उसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं की गई, राइट? अब इसमें से इनके पास बहुत सारी लिस्ट है जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि मॉनिटर एंड नॉन मॉनिटर, रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड, ऐसे लिस्ट में हमें जाके देखना होगा. जैसे कुछ डिवाइसेस
ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि दीज डिवाइसेस आर नॉट नीड नॉट टू बी रेगुलेटेड, यू कैन जस्ट मैन्युफैक्चर एंड सेल इट. देर आर सर्टेन डिवाइसेज हैज टू बी रेगुलेटेड एंड वंस रेगुलेटरी आपको मिलेगी क्लियरेंस तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तीन ऑर्गेनाइजेशन आपके पास हो गए, ICMR, DGCI एंड CDSCO. ये ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है किसी भी गाइडलाइंस को और लॉ को फॉलो कराने के लिए इंडिया में. ओके, नाउ एक और चीज आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सी दीज गाइडलाइंस द नेशनल इंटरनेशनल, अब जैसे ICH की GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस है, हमारे ICMR ने भी बना के दी, लेकिन उसमें कुछ कुछ डिफरेंस है. जैसे इस गाइडलाइंस में जैसे हम मेजर एक इंडियन GCP और इंटरनेशनल GCP में डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि हमारे वहाँ जेनेटिक्स और इसकी जो बायो प्रोडक्ट जो है उनको उनके ऊपर बहुत सारे बहुत टफ कानून है. ओके, दैट वी डोंट अलाउ दीज टू बी स्टोर्ड इन सर्टेन प्लेसेस या फिर उसको ट्रैवल अक्रॉस बॉर्डर हम नहीं होने देते. इस तरह की कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं इंटरनेशनल GCP एंड जो हम जब GCP पढ़ेंगे तब उसमें हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल GCP गाइडलाइंस. राइट, सो दीज आर द थ्री ऑर्गेनाइजेशन वी नीड टू अंडरस्टैंड और रिमेम्बर. ओके, अब हिस्ट्री जब हमने देखी थी, आपने देखा था कि मैंने बताया था कि 1980 यूरोपियन यूनियन बिगिन टू वर्क इन हार्मोनाइजेशन ऑफ मेकिंग स्टैंडर्डाइजेशन इन प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च. देन इन 1989 जापान एंड USA आल्सो ज्वाइन दिस हार्मोनाइजेशन. लेटर ऑन इन 1990 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज ICH वाज फॉर्म. ओके, और 2000 आते आते ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया एंड एवरीवन स्टार्टेड फॉलोइंग दैट. राइट, इन 2015 देयर वाज अ वेरी मेजर रिफॉर्म इन दिस ICH एंड इनका नाम चेंज कर दिया गया और दे बिकम मोर मोर स्ट्रॉन्ग बॉडी. लाइक ये पहले कॉन्फ्रेंस इसका नाम था, देन इसका नाम हो गया इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ICH. So, और ज्यादा थोड़ी सी उसकी जो कहें कि पावर या जो कहें उसकी थोड़ी अथेंटिसिटी और ये सब चीजों को बढ़ा दिया गया. ओके, सो ICH GCP गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या कहता है, ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन कंडक्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग ऑडिटिंग रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग रिपोर्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स और क्लिनिकल रिसर्च दैट प्रोवाइड एश्योरेंस दैट द डेटा इज रिपोर्टेड इन सर्टेन प्लेस रिजल्ट एंड has an credible, accurate, and rightly done integrity and confidentiality of subjects has been protected. मतलब वो एक 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 regulated research है if you follow those guidelines. Okay, and it can differ from country to country as per their regulatory law differ. So if there is a certain law, वो मेरे guidelines में reflect होना चाहिए. ओके, सो हमारे वहां जो इसी को देखते हुए जो गाइडलाइंस दी गई और जो गाइडलाइंस जो ICMR बनाया है उस गाइडलाइंस को हमने कहा नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट. सो दिस इज गिवन बाय ICMR और इसी के बेस पे हम सारे रिसर्च अपने हमें करना होता है. ठीक है, और इसी को हम फॉलो करते हैं विच इज मोर आर सिमिलर टू द वर्ल्ड गाइडलाइंस. सब कुछ सेम ही, क्यों, ये सब पूरा बेस्ड है उसी डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बेनिफिशेंस होना चाहिए, नॉन मॉडिफिकेशंस होना चाहिए, फिडिलिटी होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए और पब्लिक जस्टिस होना चाहिए. इसी के बेस पे है ये एंड इट इज मेड टू एंश्योर दैट द राइट सेफ्टी वेल बीइंग एंड of the subjects which are involved in and participants those who are in research is being taken care. चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा. अब ये जो नेशनल ethical guidelines है for biomedical health research involving ये जितने भी तरह के research human behavior subject human subject जहां आ गया वहां पे ये अपने आप लागू हो जाता है. अब वो बिहेवियरल साइंस रिसर्च हो, कोई मेडिसिन हो, कोई इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, सब जगह वहां पे ये
इंक्लूड हो जाता है. एंड रिसर्च ऑन ह्यूमन पार्टिसिपेंट पर्टेन टू ब्रॉड रेंज ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज एम्ड एट डेवलपिंग जनरलाइज नॉलेज, यानी कि नॉलेज को जनरलाइज करने के लिए, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव हेल्थ, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज एंड इट इज एथिकली जस्टिफाइड बाय इट्स सोशल वैल्यू. ओके, दैट इज व्हाट द रिसर्च ऑन ह्यूमन हैज टू बी डन. एवरी रिसर्च हैज सम इनहेरेंट रिस्क, जैसे पहले बताया, और उसकी प्रोबेबिलिटी होती है. इसलिए हमें एक रेगुलेशन होना चाहिए. और प्रिंसिपल इज डू नॉट हार्म नॉन मॉलिफिकेटर. Okay, while conducting a biomedical or health research, the four basic ethical principle जो होने चाहिए वो mind में होनी चाहिए और उसी के बेस पे सारे ethics हमारे जो है involve होते हैं. And what are those four basic principle? That respect for a person, those who are, और वही क्या था वो, autonomy. Person का respect होना चाहिए, उसको benefit होना चाहिए, कोई उसको भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए उसके साथ, जस्टिस होना चाहिए. ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन केयर. और इसी के लिए ये सारे गाइडलाइंस हमारे बने. तो इन्होंने क्या किया, चैप्टर वाइज सारे गाइडलाइंस को एक्सप्लेन किया है ICMR ने. और आज हम सिर्फ एक उसका देखेंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड जनरल एथिकल इश्यू एंड रिसर्च. ओके, सो ये क्या है, जिस आइए जरा क्विकली इस चीज को हैव एन अ लुक. जो बेसिक प्रिंसिपल जो मैंने वो चार पांच छह जो बताए थे, जो हेल्सिंकी के फीचर्स थे, उनके बेसिस पे हमने पांच जनरल प्रिंसिपल सेट किए जो कि किसी भी रिसर्च से को फॉलो करना है. इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट गाइडलाइन जो ICMR का है वो यह है कि द एथिकल गाइडलाइंस इन रिसर्च इन कोविड. ओके, सो डिफरेंट कंडीशन के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी है. But these 12 general principles are applicable to all the medical, biomedical and health research involving human subject participation or research using any biological material, जैसे कोई टिश्यू ले रहे हैं या कुछ भी उस तरह से बॉडी का कोई हिस्सा है या उस तरह का, उस पर सब पे ये लागू होता है. तो पहला क्या है इनका प्रिंसिपल, देखिए ये 12 के 12 प्रिंसिपल है. शॉर्ट में इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, पहला प्रिंसिपल इनका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी. क्या कहता है ये प्रिंसिपल, दैट ऑल बायोमेडिकल रिसर्चर्स ऑन द ह्यूमन सब्जेक्ट शुड बी एब्सोल्युटली एसेंशियल. आई मीन उठा के लाके रिसर्च नहीं करना कुछ भी. आफ्टर अ ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव फॉर एडवांसमेंट ऑफ ऑल द ह्यूमन बीइंग. ओके, सो दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी वेयर बाय ऑफर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑल अल्टरनेटिव, यानी सारे अल्टरनेटिव आपने सोच लिए हैं, सब कुछ देख लिया है, पुराने फंडामेंटल रिसर्च भी देख लिए हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स बिहाइंड दिस सर्टेन थिंग्स, इफ यू आर गोइंग टू डेवलप व्हाट आर द फंडामेंटल्स बिहाइंड दैट, ऑल दीज थिंग्स यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड एंड देन यू वांट समथिंग टू बी एक्सप्लोर्ड फर्दर विच इज गोइंग टू एडवांस, गिव अ न्यू नॉलेज टू अस एंड दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी. ओके, देन ओनली यू शुड रिसर्च. प्रिंसिपल ऑफ एसेंशियलिटी. दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वॉलंटियरनेस एंड इन्फॉर्म कंसेंट. इन्फॉर्म कंसेंट को हम लोग डिटेल में बाद में और डिटेल देखेंगे, बट हियर अगेन ये भी ऑटोनॉमी को ही दिखाता है कि आप सब्जेक्ट को फोर्स कर सकते हैं. देयर हैज टू बी माय वॉलंटियर डिसीजन दैट वेदर आई शुड गो फॉर टू पार्टिसिपेट इन सर्टेन रिसर्च और ट्रायल और नॉट, दिस इज माय वॉलंटियर डिसीजन एंड आई शुड टेक. यू कैन नॉट फोर्स, देयर शुड नॉट बी एनी साइन ऑफ forcing people to come in research. और ऐसा नहीं है कि हमारे क्लिनिक में पेशेंट आया, हम किसी पेशेंट के ऊपर कुछ कर रहे हैं उसको बताने हैं. They have to be informed that what we are doing to them. Okay? So that the principle of voluntariness, respect for the right of the participant to agree or not to agree in research or to withdraw from within research. ये इतना ही नहीं है कि सिर्फ रिसर्च में इन्वॉल्व हो गए अब तो निकल नहीं सकते भैया फंस गए, नहीं. They can withdraw at any time. There is a specific format for informed consent at the clinical trial that I will be talking about that also later on in next video, class video. Okay, but right now you understand that there are a specific component in consent, which is called CR बोलते हैं, ठीक है? ICF बोलते हैं, informed consent document और जो भी form है, form. Okay, next जो है
प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन। ओके, सो व्हाट इज नॉन एक्सप्लॉयटेशन है, व्हाट इज एक्सप्लॉयटेशन समझो, यहाँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सोशियो इकोनॉमिक, या फिर वो पढ़ा नहीं है, वो गरीब है या एनीथिंग, सो वी शुड नॉट बी एक्सप्लॉयट देम एंड जस्ट पुल देम इन रिसर्च दैट दे आर poor people or somebody has been not educated, they don't understand, and we teach them that isko research mein le lete hain without informing or giving following ethical guidelines. Okay, it is not, it is principle of non exploitation says that the research participants are equally and unko suitably, matlab equality ke basis pe unko select kiya jana chahiye, aisa nahi hona chahiye कि उनकी किसी उस पर होना चाहिए, और देयर हैज टू बी सम सफिशियंट सेफ गार्ड टू द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ पीपल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप कौन होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे बच्चा है, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड है, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनकी एक एक यूज लिस्ट है, वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल, डिसेबल पीपल। ओके, सो दोज पीपल शुड हैव एन सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्टेड मोड, या जो भी कह लीजिए आप इस चीज को, तो उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी गाइडलाइन कहता है कि करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल, फोर्थ प्रिंसिपल इज प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ पोटेंशियल जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनका उनकी आइडेंटिटी रिकॉर्ड हैज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड एक्सेस इन लिमिटेड टू ओनली दोज आर ऑथराइज्ड and with the permissions, okay, and like for example बहुत ऐसी चीजें हैं जो technical चीजें, SIB positive status, some people have suicidal ideation and in research they may reveal that maybe some mental research or कुछ questionnaire हो जिसमें वो reveal करे, okay, that should not be made public. In fact, anything made should not be made public. It has to be kept very confidential, and wherever there is a need and in the legal reason, there is a valid scientific and legal reason, then only it has to be revealed. Otherwise, it has to be kept confidential. The next principle is precaution and risk minimization. जितना से जितना हो सकता है उतना जो भी stakeholders हैं, जो 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 subject हैं या sponsors हैं, investigator हैं, रेगुलेटर है, इसी है, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जितना से जितना हो सकता है रिस्क को मिनिमाइज किया जाए, बिकॉज येट वी आर अंडर ट्रायल रिसर्च, हमें उसका रिजल्ट पता नहीं है। ओके, सो अब जैसे रिहैबिलिटेशन से, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड रिसर्च है, तो वो मिनिमल रिस्क है। रिस्क के भी ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, उनका डेफिनेशन है कि मिनिमल रिस्क है, मॉडरेट टू मिनिमम टू मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट टू सीवियर रिस्क है। लाइक एग्जांपल, सम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जिनको आप दे दो तो उसे उनको हार्ट अटैक हो सकता है और जान जा सकती है, तो वेरी हाई रिस्क। ओके, सो अनलेस एंड अंटिल, इसमें प्रिंसिपल पहला एसेंशियलिटी, एसेंशियल है क्या, या हमारे पास ऐसी मेडिसिन है जिससे हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो अनलेस एंड अंटिल देयर इज दैट गाइडलाइंस की एसेंशियलिटी, वो प्रिंसिपल फॉलो होता है, एसेंशियल तो है, देन वी कैन गो अहेड विद हायर रिस्क आल्सो, अदरवाइज ईसी विल नॉट अप्रूव दैट टॉपिक टू बी टेकन और दैट रिसर्च प्रोजेक्ट टू बी ग्रांटेड फॉर टू बी डन। ओके, नेक्स्ट है जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी वेयर एवर द रिसर्च इज बीन टेकन, रिसर्च वी प्लान्ड, कंडक्टेड एंड इवेल्युएटेड एंड मॉनिटर्ड थ्रू आउट द रिसर्च प्रोसेस, and there has to be competent people to do that work throughout the research process. Aisa nahi hai ki aapne de diya aur chal raha hai. There should have a specific qualification, experience and training to monitor and look at that the research is going in a right way, taking care of all the principle. Okay, then accountability and transparency. Ye kya hai accountability and transparency? Research plan, outcome from research, whatever outcome we get, and right to privacy, ye sari cheeze jo hai, all research should be conducted in a fair, honest way. Aur aisa nahi hai ki kisi cheez ko hum hide kar lenge, kisi ko chupa lein, is tarah ki cheeze hame nahi karni hoti hai. That is also one of guideline. Then next important is social responsibility.
एंड डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। रिसर्च इज प्लान एंड कंडक्टेड सो एज टू अवॉइड सर्टेन क्रिएशन और डीपनिंग सोशल हिस्टोरिक डिवीजन, मतलब सोसाइटी के साथ जस्टिस होनी चाहिए। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। आई मीन टू से रिसर्च हैज टू बी कंडक्टेड टू बेनिफिट द ह्यूमन काइंड। द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट, ये क्या है? ऑल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट रिक्वायर्ड टू 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 मेक इन रिस्पेक्ट टू रिसर्च, इट हैज टू बी अ बोनाफाइड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। इट हैज टू बी डन इन अ बोनाफाइड एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी क्लिनिक पे बैठा और उस चीजों को करना शुरू कर दिया। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देर हैज टू बी सम रेगुलेटर। इसीलिए यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और इन जगहों पे एक इंडिपेंडेंट एथिकल कमेटी होती है दैट इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, जो मॉनिटर कर लेती है इन चीजों को कि वेदर द थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट वे। ऐसा पहले भी मैंने जैसे बताया कि प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डोमेन मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट, ये भी एक प्रिंसिपल है। व्हाट दिस प्रिंसिपल इज, ड्यू केयर इज टेकन दैट द डिजाइन कंडक्ट रिसर्च इज ए सच इन अ वे दैट डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट एंड सोसाइटी, नॉट द इन्वेस्टिगेटर। इट इज नॉट बेनिफिट फॉर इन्वेस्टिगेटर एज ऑल, बट द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ एन ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, सो ही इज इनडायरेक्टली विल डेफिनेटली गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, बट इट शुड बी फोकस्ड ऑन टू बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली द पार्टिसिपेंट एंड द सोसाइटी, नॉट टू द अदर पीपल। ओके, इट शुड नॉट बी बायस्ड इन दैट वे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज द प्रिंसिपल ऑफ टोटैलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, वेयर बाय ऑल स्टैक होल्डर्स, ऑल दी स्टॉक होल्डर्स इन्वॉल्व इन रिसर्च आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन। उनको पता होना चाहिए क्या करना है मुझे, प्रोफेशनल सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉट दे हैव एंड दे कंप्लाइंट टू दैट। The ethical guidelines and related regulations are binding on them, all the stakeholder to be directly, indirectly aware hona chahiye, and they have to have a responsible, held responsible for that. Okay? Principle of compliance. Apne environment ko harm nahi pahunchana. Environmental harmony honi chahiye. Right? Or all person concerned in research, directly or indirectly, unko koi bhi, jo bhi rules, regulations, जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। दैट द 12th प्रिंसिपल। ओके, कुछ कुछ जनरल जो एथिकल इश्यूज हमारे आते हैं। ओके, ये तो सारे गाइडलाइंस हो गए। इसको मैं बुक में फॉर्म में है, मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। ओके, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। देर इज सब्जेक्ट, देर इज अ स्पॉन्सर, सम केसेस देर इज नो सेल्फ फाइनेंस। कम्युनिटी हमारा इन्वेस्टिगेटर है जो रिसर्च कर रहा है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, रेगुलेटरी लॉ है, ठीक है, ये सारे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। देर देर आर द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस एंड एवरीवन हैज देयर ओन सिनेरियो। ओके, दिस इज वेयर आवर एथिकल कमेटी प्ले एन रोल। सबको यूनाइट, सबको एक साथ करना, दे विल लुक एट दैट व्हाट द रेगुलेशंस आर, व्हाट द रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर, व्हाट द इन्वेस्टिगेटर इज डूइंग, वेदर आई शुड अलाउ इन्वेस्टिगेटर टू डू दिस और नॉट। सो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय एथिकल कमेटी। एंड अल्टीमेटली द एथिक कमेटी का रोल हम और आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट हाउ कॉम्पोजिशन, वॉट कॉम्पोजिशन है, किस तरीके से सारा होना चाहिए, ये देखेंगे बाद में। बट यहाँ पे इतना जाने कि देर इज स्पेसिफिक रोल एंड दीज एथिकल इश्यूज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एथिक कमेटी टू लुक आफ्टर दैट द एथिक्स गाइडलाइंस बींग फॉलोड एंड ऑल द रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस आर फॉलोड बाई investigator, there is no loss for any harm to society or the participants, the sponsor is following and paying responsibility, whatever the responsibility they have been given. Okay, so ye kuch general ethical issues hain jinka khyal isi ko rakhna hota hai, jaise benefit risk assessment hua hai ki nahi, jaise hum allo synopsis de rahe hain, kisi research ka koi protocol submit kar rahe hain to usme analysis hona chahiye. Researcher must protect the dignity rights, safety एंड ऑल द थिंग। इन्फॉर्म कंसेंट का क्या प्रारूप है, क्या हाउ वेल द इन्फॉर्म कंसेंट इज बींग मेड, ठीक है, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीजें जो चीजें हैं वो सब कुछ चीजों को हमने देख लिया है अच्छे से कि नहीं देख लिया है। अब जैसे पहले मैं बता रहा था इन्फॉर्म कंसेंट में जो जो रिस्क है, रिस्क देखने का है, वो रिस्क मेंशन होना चाहिए। इसको हम जब इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे और डिटेल में,
कि क्या क्या किस तरीके से हमें रिस्क को करना पड़े, जैसे लेस और मिनिमम प्रोबेबली हार्म और डिस्कम्फर्ट थोड़ा बहुत हो गया, आपने एक्सरसाइज कराया उससे थोड़ी सोरनेस हो गई, जैसे कोविड का वैक्सीन लग रहा है, कुछ लोगों ने बोला कि लगने के बाद थोड़ा सा उनको एक दिन फीवर रह जाता है, सो इट इज वेरी मिनिमल एंटिसिपेटेड एंड सम मतलब डिस्कम्फर्ट काइंड ऑफ थिंग इट इज कोई प्रोमोली डैमेज, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा चीज भी हो सकता है, तो इसकी डिफिनेशन अलग है, अपना नहीं कह सकते कि रिस्क है ही, सिर्फ ये नहीं कह सकते पेशेंट को रिस्क है, देर इज अ ग्रेट रिस्क, देर इज अ मिनिमल रिस्क, देर इज नो रिस्क, ऐसे नहीं है, तो इस तरीके से आपको उसमें कहना पड़ता है और ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। ओके, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे जब हम इन्फॉर्म कंसेंट पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस, पेमेंट फॉर पार्टिसिपेशन, इन सब चीजों के लिए अगर कुछ है आना जाना उसका, यानी कि बर्डन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट के ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, उसको क्यों आप बर्डन दोगे एक्स्ट्रा, ये तो रिसर्च कर रहे हो आप, ठीक है, तो बर्डन नहीं होना चाहिए, अगर कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो जाता है उसका कंपनसेशन, ठीक है, कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जो जनरल एथिकल, जो इसी के जब हम एथिकल कमेटी के बारे में पढ़ेंगे उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, एंसिलरी केयर यानी रिसर्च के ड्यूरिंग जो भी केयर उसकी हो रही है, जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए उस चीज का, कोई ऑथरशिप या इस तरह के कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए बीच में, फाइनेंशियल एकेडमी का इस तरह का, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जनरल उसमें पढ़ेंगे, कम्युनिटी का एंगेजमेंट उसमें कैसे होना चाहिए, ठीक है, और पोस्ट रिसर्च एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग आप कैसे करने जा रहे हो, आपका रिसर्च कुछ फाइंडिंग्स आया, हाउ यू आर गोइंग टू पब्लिश दैट, ऑल दीज थिंग्स आर द टेक्निकल इश्यू, जनरल एथिकल इश्यू, हाउ यू आर गोइंग टू लुक एट दैट ऑल दीज थिंग्स। ओके, उसके बाद अब हमने जो आज जो देखा इसमें अभी जनरल प्रिंसिपल एंड एथिकल इश्यूज देखा, इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें और हैं लाइक रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट ऑफ रिसर्च, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट, हमें किस तरीके से रिसर्च करना चाहिए, एथिकल रिव्यू प्रोसीजर, हाउ हाउ ईसी लुक एट कमेटी, एथिकल कमेटी looks at your proposal, your research, and what are the ethical things they look at and how they proceed. Informed consent का process क्या होता है? How we can look at that? How to take informed consent from the participants? Vulnerability क्या होती है? How we can look at that? Your subject is in fall in vulnerable category. तो जैसे ही वो vulnerable category में आता है, आपका informed consent का प्रारूप change हो जाएगा। उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेज हो जाएंगी, उन सारी चीजों को देखेंगे, और कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो हैं, इट मे नॉट बी रिलेटेड टू यू बट डेफिनेटली वी शुड हैव आइडिया दैट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ड्रग्स एंड अदर इंटरवेंशन, उनके क्या रेगुलेशन क्या स्पेसिफिक है, पब्लिक हेल्थ रिसर्च एट लार्ज जो करते हैं उसमें क्या स्पेसिफिक कुछ देखना होता है एज ए गाइडलाइन एंड एथिक्स, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस रिसर्च जो है हेल्थ के से रिलेटेड, या ह्यूमन जेनेटिक टेस्टिंग एंड रिसर्च, बहुत टफ गाइडलाइंस इसके हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल एंड बायो बैंकिंग डेटा बेस डेटा सेट्स, और ये जैसे होते हैं जैसे सपोज के जैसे स्टेम सेल्स है या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल है जिसको स्टोर कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कुछ गाइडलाइंस हैं स्पेसिफिक, वी शुड अंडरस्टैंड दोज ऑल्सो, रिसर्च ड्रग्स ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी डिजास्टर में किस तरह के रिसर्च होना चाहिए, जैसे अभी सपोज कीजिए कि कोविड का सिनेरियो चल रहा है, एक तरह से हम डिजास्टर या पैंडेमिक को मान लें, इस समय पे कुछ इस तरह के रिसर्च के न्यू गाइडलाइंस होते हैं जिनको कुछ चीजों को ओवरलुक भी किया जाता है, कुछ चीजें स्पेसिफिक भी हो जाती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल लुक एट सम ऑफ दीज स्पेसिफिक गाइडलाइंस, हाउ ईसी लुक एट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एथिकल कमेटी, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ एथिकल कमेटी एंड क्या किस तरह से गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, उसके अंडर में हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन रिसर्च, हाउ टू टेक इन्फॉर्म कंसेंट, सो ऑल दीज थिंग्स वी विल लुक एट नेक्स्ट क्लास।